हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लंड्रे देतीमन। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक नाट्य। तो लोक नाट्य जो है उससे भी हमें राजस्थान की संस्कृति जो है वह पता चलती है। यहाँ पर जो कथाएं हैं, कहानियां जो हैं, उनको रंगमंच पर दिखाना लोक नाट्य कहलाता है। तो इसे हम ड्रामा के नाम से जानते हैं, ठीक है? ड्रामा के नाम से आप जानते हैं तो वही है लोक नाट्य। तो सरल शब्दों में यदि मैं कहूँ तो रंगमंच पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं, दिखाए जाते हैं जो कार्यक्रम, उसे हम लोक नाट्य कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोक नाट्यों में कि नौटंकी। नौटंकी जो है वह भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। पूर्वी राजस्थान की यदि हम बात करें तो यहाँ का जो लोक नाट्य है, ड्रामा जो है, वह नौटंकी है। तो नौटंकी वही होती है जो कि हम अक्सर कह भी देते हैं कि एक छोटा बालक जो है वो यदि कुछ भी दिखा रहा होता है करतब, तो कहते हैं देखो कैसी नौटंकी कर रहा है। अगर अलग अलग करतब जो है वो दिखाना, तो वो क्या है? नौटंकी है। और नौटंकी की खास बात ये होती है कि इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सारंगी हो गई, सहनाई हो गई, नगाड़ा हो गया, ढोलक, ढपली, चिकारा, हारमोनियम, इस तरीके से 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें काम में लिए जाते हैं। इसीलिए भी इसे नौटंकी कहा जाता है, ठीक है? 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किए जाने पर। तो नौटंकी जो है वह कहाँ से इसका जो उद्भव माना जाता है, तो इसका उद्भव जो है वह उत्तर प्रदेश के, भारत में इसका जन्म जो है यूपी की जो हाथरस गांव है वहां से माना जाता है। इसीलिए इसे हाथरसी नौटंकी भी हम कहते हैं, ठीक है? और राजस्थान की यदि बात करें तो पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर नौटंकी जो है बहुत प्रसिद्ध है। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और राजस्थान में इसका प्रचलन जो है डींग निवासी भूरीलाल से माना जाता है। ये आप याद रखें कि इसका जो उद्भव है, इसके जो जनक हैं राजस्थान में कौन है? डींग निवासी भूरीलाल। और इसके अलावा गिरिराज प्रसाद जो कि कामा भरतपुर के इस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, मुख्य कलाकार कौन है? गिरिराज प्रसाद। और जनक कौन है? भूरीलाल। इसमें जो प्रसिद्ध नौटंकी होती हैं, प्रसिद्ध जो खेल किए जाते हैं, वह नकाबपोश है, रूप बसंत है, राजा भर्तहरि, राजा हरिश्चंद्र, इन पर आधारित जो कहानियां होती हैं तो उनको रंगमंच पर दिखाया जाता है और लोग जो है उसका आनंद उठाते हैं। इसके अलावा जो है आला उदल हैं और कामदेव हैं, सत्यवान सावित्री हैं, इसके अलावा लैला मजनू हैं, हीर रांझा हैं, तो इनको भी प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है? और कुछ जो है राजा महाराजा हो गए, जैसे कि महाराणा प्रताप हैं, अमर सिंह राठौड़ हैं, तो इनकी कहानियों को भी रंगमंच पर दिखाना नौटंकी कहलाता है। भरतपुर में कृष्णा कुमारी की नौटंकी जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो हमने क्या पढ़ा नौटंकी के बारे में कि नौटंकी में 9 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश के हाथरस गांव में ये प्रसिद्ध हुआ। राजस्थान में इसके जनक भूरीलाल हैं और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं गिरिराज प्रसाद। तो ये जो है 4-5 लाइन आप ये याद रखें। अगला देखिए, अगला लोक नाट्य है ख्याल। तो ख्याल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि ख्याल का अर्थ क्या होता है, सोचना, विचारना या कल्पना करना। तो ये एक गान भी है और ये एक खेल भी है, यानी ये एक ड्रामा भी है। ख्याल जो है वो फारसी शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है खेलना और इसका अर्थ यदि हम देखें तो विचारना, सोचना या कल्पना करना। कहते भी हैं कि कौन से ख्याल में तुम डूबे हुए हो, ठीक है? तो ये वही है। तो ये जो ख्याल है इसको तबले के साथ गाया जाता है, ठीक है? तो और खेला भी जाता है। ख्याल जो है इसे तबले के साथ जो है व्यक्त किया जाता है। इसका जो मुखिया है वो उस्ताद कहलाता है और इसमें कंपटीशन यानी प्रतियोगिता जो है वह होती है। तो ख्याल जो होते हैं इसमें प्रतियोगिता कैसे होती है कि जो दो लोग होते हैं वो अपने अपने जो है संवाद जो प्रस्तुत करते हैं, ठीक है? सामाजिक व्यंग्य युक्त जो है वो वाचन होता है और जो भी उसमें जीत जाता है उसी को पुरस्कृत किया भी जाता है।
तो ख्याल जो है उसके भी कई प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले देखिए कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल जो है वो नागौर का प्रसिद्ध है और इसके प्रवर्तक जो हैं लच्छी राम हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रखें, इसके प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम है। तो कुचामनी ख्याल में जो सामाजिक व्यंग युक्त जो है वो वाचन किया जाता है, और ये जो है ओपेरा जो होता है इस ख्याल का स्वरूप होता है, यानी कि ये ओपेरा की तरह होता है। ओपेरा क्या होता है? यानी कि जब हम ख्याल को गीतों के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक है, तो वह ओपेरा कहलाता है। तो इसका प्रदर्शन जो है कुचामनी ख्याल का एक खुले मंच पर किया जाता है, और यहाँ पर जो है गानों के माध्यम से जो है अपने जो विचार हैं वो, अपने जो ख्याल हैं वो बताए जाते हैं। और इसमें जो है सबसे अहम बात कि जो स्त्री चरित्र का अभिनय जो है वो पुरुष पात्र जो होते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। यानी कोई यहाँ पर स्त्री चरित्र हो गया, जैसे कि हीर रांझा में यदि हीर हो गई, तो हीर का जो रोल है वह भी कौन निभाता है? पुरुष ही निभाता है। तो देखिए जो नाट्य हैं ये बहुत पुरानी परंपरा से चले आ रहे हैं, और उस वक्त क्या होता था कि जो महिलाएं होती थी वो बाहर निकलकर नहीं आती थी, अपने आप को जो भी उनमें क्वालिटी होती थी वो उनको नहीं दर्शाती थी, ठीक है। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं कि जयपुरी ख्याल जब हम देखेंगे तो वहां पर स्त्रियों की भूमिका जो है वो स्त्री ही निभाएगी, ठीक है। तो कुचामनी ख्याल जो है वो पुराना है, तो उस समय जो महिलाएं होती थी वो अपने आप को जो है बाहर नहीं निकालती थी। तो यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वही महिलाओं का भी रोल करते हैं। तो इसके जो मुख्य ख्याल हैं, राव रिणमल, मीरा मंगल, गोगा चौहाड़ और चांद नीलागिरी। वर्तमान में मुख्य कलाकार कौन है? उगम राज है, ये याद रखें। और इस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा होता है, मैंने आपको बता दिया है। लोकगीतों की इसमें प्रधानता होती है, और स्त्री चरित्र का अभिनय कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। ढोल, सहनाई, ढोलक, सारंगी जो है वो बजाया जाता है। इस ख्याल की जो भाषा होती है वो बहुत ही सरल होती है, और सामाजिक व्यंग पर आधारित जो है इसमें थीम जो है वो चुनी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें सेखावटी या चिड़ावी ख्याल। तो सेखावटी ख्याल को चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो जनक हैं नानू राम, ये कहाँ के थे? चिड़ावा के थे, ठीक है। नानू राम राणा जो हैं इसके जनक कहे जाते हैं, चिड़ावा के थे, और इनके साथ जो है इनके शिष्य थे दुलिया राणा। इन्होंने सेखावटी ख्याल को लोकप्रिय किया था। तो ये जो ख्याल है इसमें गायन भी होता है और नृत्य भी होता है, दोनों ही इसमें होते हैं। इसमें भी सारंगी, हारमोनियम, बांसुरी, ढोलक जो है इसमें काम में ली जाती है। और जो कथानक है इसमें, प्रमुख कथानक जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? हरिश्चंद्र पर आधारित, जयदेव कलाली पर आधारित, हीर रांझा पर आधारित, भर्तरी राजा पर आधारित, ढोला मारू, ठीक है। तो इन पर आधारित जो है यहाँ पर जो कथानक जो हैं वह होते हैं, ठीक है। फिर देखिए हेला ख्याल। तो हेला जो है इसका अर्थ क्या होता है? लंबी टेर की आवाज देना, ठीक है। लंबी टेर में जो आवाज देते हैं उसे ही हेला कहा जाता है। हेला ख्याल जो है दौसा, लालसोट और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। इसके जो प्रमुख प्रेरक हैं वह हैं शायर हेला। इसमें जो है नौबत वाद्य यंत्र बजाया जाता है, इसके साथ में ही जो नगाड़ा है वह भी इसमें बजाया जाता है। और हेला ख्याल जो है वह जब गणगौर आता है तब उस समय प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी कंपटीशन जो है वह रखा जाता है। नेक्स्ट देखें अली बख्शी ख्याल। तो अली बख्शी ख्याल जो है वो अली बख्शी के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। अलवर रियासत के थे, और इन्होंने कहते हैं कि 10 ख्याल जो हैं वो अली बख्शी ने लिखे थे, जिसमें प्रसिद्ध थे कृष्ण लीला के, बारहमासा के और पद्मावत के। और अलवर का जो सिफतनामा है वह था गुलाब कावल था, ठीक है। तो और इसके अलावा निहाल दे पर आधारित। तो 10 ख्याल जो हैं वो अली बख्शी ने लिखे थे। अलवर रियासत के मुंडावर ठिकाने के राव राजा अली बख्श के समय जो है अली बख्शी ख्याल जो है वो प्रसिद्ध हुआ था। अगला देखें भेंट का दंगल। तो दंगल जो आपने सुना होगा, दंगल क्या होता है? खुले मंच पर ही होता है, जहां पर दो लोग जो हैं वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर ख्याल की बात हो रही है, ठीक है। तो भेंट का दंगल जो है धौलपुर का बाड़ी बसेड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध है।
और इसमें देवी देवताओं से जुड़े धार्मिक आख्यान जो हैं वह प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, भेंट का दंगल। ढप्पाली ख्याल, ढप्पाली ख्याल जो है वो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है और इसमें ढोल, नगाड़ा, सहनाई जो है इसके मुख्य वाद्य यंत्र होते हैं। तो इतना ही याद रखें कि ढप्पाली ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। फिर देखें कन्हैया ख्याल, तो कन्हैया ख्याल जो है वो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधवपुर यहाँ का प्रसिद्ध है और इसमें कृष्ण लीलाओं से जुड़े कथानक जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके सूत्रधार जो है वो मेड़िया कहलाता है और सामान्यतः ये दंगल दिन में आयोजित किया जाता है और जो मेड़ा जाती है उसके द्वारा ये दिन में कही जाती है। ठीक है, जो कहने वाला होता है उसको कहन कहा जाता है और इसका जो मुख्य पात्र है वह मेड़िया कहलाता है। तो यहाँ पर हमें कृष्ण लीलाओं से जुड़े कथानक तो मिलते ही हैं, इसके अलावा जो है यहाँ पर सुदामा चरित्र है, नरसी भगत है, शिव विवाह है, ये भी प्रमुख कन्हैया ख्याल है। किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वंशीधर शर्मा, इन्होंने इस किशनगढ़ी ख्याल को लोकप्रिय किया था। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है वही मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखी है और आपका यहीं से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो फंस जाएगा। ठीक है, अब देखिए तुर्रा कलंगी ख्याल, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ख्याल है और इसके बारे में आप लोग जो है वो हमेशा याद रखेंगे। यहाँ पर दो संत की बात जो है वो होती है, एक तो शाह अली और दूसरे तुकनगिर। ठीक है, ये दोनों ही संत जो हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तुकबंदी जो है वो करते थे और इतने अच्छे से संवाद करते थे कि लोग जो हैं दूर दूर से इनको सुनने के लिए आते थे। तो एक बार क्या होता है कि जो तुकनगिर और शाह अली जो संत होते हैं तो इनको चंदेरी के महाराज जो हैं वो अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों की तुकबंदी जो है वो हमें सुनने को मिली है कि आप बहुत अच्छा करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें सुनाइए। तो राजा जो हैं उनकी तुकबंदी को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और तुकनगिर नामक जो संत है उनको तुर्रा भेंट में देते हैं। इसके अलावा जो दूसरे संत हैं मुस्लिम संत शाह अली, इनको देते हैं कलंगी। तो उस वजह से ही ये जो है तुर्रा कलंगी ख्याल जो है वहीं से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, तो दो संतों के नाम आप यहाँ याद रखेंगे, संत शाह अली और हिंदू संत तुकनगिर। ठीक है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल जो है इसका उद्भव कहाँ से माना गया है, मध्य प्रदेश की चंदेरी से। यहाँ पर मुस्लिम संत का नाम है शाह अली, ये शक्ति के उपासक थे, शक्ति यानी कि पार्वती के, हरा वस्त्र ये पहनते थे, इनको जो है कलंगी भेंट में मिला था। और दूसरे जो संत हैं हिंदू संत तुकनगिर, ये शिव के उपासक थे, भगवा वस्त्र पहनते थे, इनको तुर्रा भेंट में मिला था। तो मुस्लिम संत शाह अली और हिंदू संत तुकनगिर के संवाद हर जगह प्रचलित थे। चंदेरी के शासक ने दोनों को अपनी अपनी तुकबंदी सुनाने को कहा, तो यहाँ बैठ गए शाह अली, यहाँ बैठ गए तुकनगिर। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से संवाद करने लगे। तो राजा जो है वो बहुत खुश होता है इनको देखकर और तुर्रा कलंगी जो है भेंट कर देता है। यहाँ पर याद क्या रखेंगे, याद ये भी रखिएगा, पूछा जा सकता है तुर्रा कलंगी ख्याल में कलंगी जो है वो राजा ने किसको भेंट की थी। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे, एक याद रख लेना कि तुर्रा जो है वो भेंट किया था तुकनगीर को। ठीक है, तासे तुर्रा तासे तुकनगीर, और दूसरा आपको याद आ जाएगा, तभी से तुर्रा कलंगी जो है ख्याल प्रसिद्ध हुआ। तुर्रा कलंगी ख्याल जो है राजस्थान में चित्तौड़गढ़, घोसुंडा, निम्बाहड़े का प्रसिद्ध है और यहाँ पर राजस्थान में इन जगहों पर सहेड़ू सिंह तुर्रा और हमीद बेग कलंगी ने लोकप्रिय किया। ठीक है, तो जिस तरीके से शाह अली और तुकनगिर ने जो है मेवाड़ में प्रसिद्ध किया था, उसी तरीके से चित्तौड़गढ़, घोसुंडा, निम्बाड़े यहाँ पर सहेड़ू सिंह और हमीद बेग ने इसे लोकप्रिय किया। इस ख्याल में मंच की जो है वो सजावट बहुत अच्छे से की जाती है, दो पक्ष आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धा मूलक संवाद करते हैं और जिसे गम्मत कहा जाता है। तो ये भी एक शब्द याद रखिएगा कि गम्मत किसे कहा जाता है, जब दो पक्ष आमने सामने बैठकर प्रतिस्पर्धा मूलक संवाद करते हैं तुर्रा कलंगी ख्याल में, उसे गम्मत कहा जाता है। तुर्रा कलंगी की जो शैली है इसको कहा जाता है माच। चेतराम, हमीद बेगम, ताराचंद, ओंकार सिंह, सोनी जयदयाल, ये सभी जो हैं इसके लोकप्रिय
कलाकार हैं। और इसमें आयोजन जो है वह है अक्सर देखिए कलाकार द्वारा सागर सेठ का खेल, नसीहत, रुक्मणी मंगल, राजा हरिश्चंद, भक्त पूरणमल, मोर ध्वज, ऊखा चरित्र, इंद्र सभा, कृष्ण लीला और ढोला मारू, इनका आयोजन जो है वह किया जाता है। राजा हरिश्चंद जो है इनका नाम, और इसके अलावा जो है राजा भर्तहरि, इनका जो है नौटंकी हो गई, इनके जो है ख्याल हो गए, ये आपको अक्सर जो है सुनने को और देखने को भी मिल जाएंगे। फिर देखिए जयपुरी ख्याल, तो ये ख्याल जो है बिल्कुल नवीन ख्याल है और गुणी जन खान के कलाकार इसमें हिस्सा लेते हैं। गुणी जन खान के जो कलाकार हैं वही इसमें हिस्सा लेते हैं। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री ही निभाती है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जयपुरी ख्याल की, क्योंकि अभी तक जो हमने ख्याल पढ़े, अली बख्शी ख्याल, हेला ख्याल, शेखावटी ख्याल और इसके अलावा कुचामनी ख्याल, तो वहां पर पुरुष जो है वही स्त्री का रोल निभा रहे हैं और पुरुष जो है वो पुरुष का रोल भी निभा रहे हैं। लेकिन ये जो जयपुरी ख्याल है ये आधुनिक ख्याल की श्रेणी में आ गया, तो यहाँ स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाती है? स्त्री ही निभाती है। तो इसमें जयपुरी ख्याल में जोगी जोगन, कान गुजरी, पठान, रसीली तंबोलन, ये सभी आदि कथानक इसमें होते हैं। तो हम एक बार जो है वो रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो है अभी तक क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि आप लोग जो है वो भूल जाओगे। तो कैसे याद रखोगे? सबसे पहले हमने लोक नाट्य में क्या देखा था? नौटंकी देखी थी। नौटंकी, नौ टंकी यानी कि नौ प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग, ठीक है। और इसका जो उद्भव है वह है डींग निवासी भूरा लाल से माना जाता है नौटंकी का। दूसरा हमने जो ख्याल की बात की, तो ख्याल जो है जो कि तबले के साथ गाया भी जाता है, खेला भी जाता है, ठीक है। इसका जो मुखिया होता है उसे उस्ताद कहा जाता है। जिसमें हमने बात की कुचामनी ख्याल की, उसके प्रवर्तक लच्छी राम है। शेखावटी या चिड़ावी ख्याल, जिसके प्रवर्तक कौन है? नानू राम चिड़ावा है, ठीक है। दूसरा फिर हमने हेला ख्याल देखा, और हेला ख्याल जो है जिसमें शायर हेला है, और वाद्य यंत्र जो है नौबत नगाड़ा उसमें प्रयोग में लिया जाता है। अली बख्शी ख्याल अली बख्शी के समय प्रसिद्ध हुआ। ढप्पाली ख्याल जो है जो अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। कन्हैया ख्याल जो है कहाँ का है? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का है। और कन्हैया ख्याल जिसमें आप याद रखें कृष्ण लीला, राधा कृष्ण, ठीक है, शिव पार्वती, इनके ख्याल जो है यहाँ पर किए जाते हैं। और तुर्रा कलंगी ख्याल जो मैंने आपको कहानी बताई है, जिसमें मुस्लिम संत दो हैं, शाह अली और दूसरा तुकनगीर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर हमने जयपुरी ख्याल देखा, तो जयपुरी ख्याल जो है यहाँ गुड़ी जन खान के कलाकार इसमें हिस्सा लेते हैं। और सिर्फ इसको ही याद रखिए कि इस ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती है, और अब जो भी हमने बाकी ख्याल देखे वहां पर पुरुष जो है वो रोल निभा रहे थे स्त्री का। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट है रम्मत। तो रम्मत जो है रमणा शब्द से ही बना है, ठीक है, तो इसका ही ये अपभ्रंश है रम्मत। बीकानेर जैसलमेर का ये लोकप्रिय है। रम्मत जो है वह जैसलमेर से इसका उद्भव माना जाता है, ठीक है, और बीकानेर में ये पाटा संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है। तो रम्मत कहाँ का प्रसिद्ध है ये याद रखें, जैसलमेर और बीकानेर का है। उद्भव इसका जैसलमेर से ही माना जाता है। होली और सावन में रम्मत जो है खेली जाती है, और जैसलमेर के तेज कवि ने इसे लोकप्रिय किया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में आ भी चुकी है कि जो तेज कवि थे इन्होंने जैसलमेर के जो थे इन्होंने इसे लोकप्रिय किया था। और इनकी जो रचना थी स्वतंत्रता वामनी 1943 में, तो इन्होंने इसे महात्मा गांधी को भेंट किया था। इसके अलावा जो है तेज कवि जो थे इन्होंने जैसलमेर में ही रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से जो है स्टार्ट किया था। तो ये एक लाइन भी आप याद रखें। इसके अलावा तेज कवि के और भी रचनाएं थी मूमल, जोगी भर्तरी, छैले तंबोलन, इसकी रचना भी इन्होंने की थी। तो एक ये पॉइंट तो आप याद ही रखेंगे कि जैसलमेर के जो तेज कवि थे इन्होंने ही इसे लोकप्रिय किया था। गांधी जी को इन्होंने कौन सी रचना भेंट की थी? स्वतंत्रता वामनी। और बीकानेर में पुष्कर नाग ब्राह्मणों द्वारा इसका आयोजन होता है, और बीकानेर में आचार्यों का चौक पाटा संस्कृति जो है यहाँ प्रसिद्ध है, ठीक
ठीक है। और रात्रि के समय जो है ये लोग होली और सावन के महीनों में जो है जो भी महापुरुष होते हैं इनकी जीवनी का मंचन करते हैं। बीकानेर के ब्राह्मण रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। होली के समय शुक्ल अष्टमी से चतुर्थी तक इसका मंचन जो है वह किया जाता है। और इसमें भी नगाड़ा ढोलक जो है वो वाद्य यंत्र जो है वह भी प्रयोग में लाए जाते हैं। हेड़ाऊ मेरी की रम्मत जो है जवाहर जी पुरोहित ने शुरू की थी, इम्पोर्टेंट लाइन है। और इसमें आदर्श पति पत्नी की कहानी है। तो ये जो रम्मत है इसमें कुंभलगढ़ के राजा जो थे हेड़ाऊ, ठीक है, कुंभलगढ़ के राजा थे हेड़ाऊ और उनकी पत्नी थी मेरी, तो इनकी जो कहानी है उसका वर्णन है। तो इस रम्मत में आदर्श पति पत्नी का जो रूप है वो दिखाया गया है, ठीक है। इसमें गद्य पद्य दोनों ही होते हैं जो माता जी के गीत से जो है समाप्त होते हैं। और आयोजन जो है इसका फागुन के माह में किया जाता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि इसमें जो है हेड़ाऊ पति है और मेरी जो है वो उसकी पत्नी है जो कि आदर्श पति पत्नी का रोल करते हैं। मनीराम व्यास, फागु महाराज, सुआ महाराज जो है इसके प्रमुख कलाकार हैं। नगाड़ा ढोलक जो है इसमें मुख्य वाद्य यंत्र है। अमर सिंह राठौड़ री रम्मत, ये रम्मत जो है अमर सिंह राठौड़ री रम्मत ये जो है आचार्य के चौक में की जाती है। और इस रम्मत में जो श्रृंगार है सौंदर्य जो है इसकी प्रधानता सबसे ज्यादा इसमें होती है, ठीक है। और रावलों का रम्मत भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा कन्हैया लाल की रम्मत, राजिया महाराज की रम्मत, फागु महाराज की रम्मत, ठीक है। तो ये सभी रम्मत जो है वो प्रमुख रम्मत कहे जाते हैं। और रम्मत का अर्थ क्या होता है, रमणा होता है। नेक्स्ट देखिए तमाशा। तमाशा जो है वो आप सभी जानते हो कि कुछ लोगों के द्वारा जो है तमाशा जो है दिखाया जाता है जिससे लोग जो है वो प्रसन्न होते हैं, उनका मनोरंजन होता है। और तमाशा जो है वो एक व्यावसायिक लोक नाट्य है। तो इसका जो जन्म है महाराष्ट्र में हुआ था, यानी ये महाराष्ट्र की देन है। तो महाराष्ट्र की लोक नाट्य शैली जो है वो तमाशा से प्रभावित है। और राजस्थान में इसे जयपुर लेकर आए थे सवाई प्रताप सिंह। तो सवाई प्रताप सिंह के समय बंसीधर भट्ट महाराष्ट्र से इसे जयपुर लेकर आए थे। और इस नाट्य में उस्ताद परंपरा फूलजी भट्ट द्वारा जो है इसे प्रारंभ किया गया था। तो तमाशे जो हैं वो तो आपने खूब देखे होंगे। तमाशे जो हैं हीर रांझा के तमाशे जो हैं वो भी आपने देखे होंगे, कहानी आपने सुनी भी होगी। और स्त्रियों का पात्र जो है इसमें स्त्री ही निभाती है, ठीक है। तमाशा में हम देखते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों ही तमाशा करते हैं और स्त्री जो है स्त्री का पात्र निभाती है, पुरुष जो है वो पुरुष का पात्र निभाते हैं। और बिल्कुल इसका आयोजन जो है खुले मंच पर होता है, यानी कोई एक ऐसी एक स्टेज नहीं होती है, बल्कि ये जगह जगह पर अलग अलग जगह जाकर जो है तमाशा करते हैं। तो अर्थ क्या है इसका कि इसका आयोजन जो है वो खुले मंच पर किया जाता है। और जहाँ किया जाता है उसको अखाड़ा कहते हैं, ठीक है। वो अखाड़ा नहीं जहाँ पर दो जो योद्धा होते हैं या दो जो ताकतवर लोग होते हैं वो अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं कि कौन सबसे ताकतवर है, वह भी अखाड़ा होता है। यहाँ पर जो खुले मंच पर जो आयोजन किया जाता है तमाशे का, तो उसको भी अखाड़ा ही कहते हैं। गाना होता है साथ में और डांस भी किया जाता है, ठीक है। संगीत, नृत्य, गायन ये तीनों जो हैं ये तमाशे में इनकी प्रधानता होती है। बंसीधर भट्ट के समय जयपुर की मशहूर नर्तकी थी गौहर जान, स्त्री पात्र की भूमिका जो है ये निभाती थी, ठीक है, गौहर जान। तमाशा जो है खुले मंच पर होता है जिसे क्या कहा जाता है, अखाड़ा कहा जाता है। होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा और उसके दूसरे दिन हीर रांझा का नाट्य जो है यानी तमाशा जो है वह किया जाता है। चैत्र अमावस्या को गोपी जन का तमाशा और शीतला अष्टमी को जुट्ठन मियाँ का तमाशा होता है। गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, मन्नू जी भट्ट और वासुदेव भट्ट जो हैं इसके मुख्य कलाकार हैं। तो चलिए अभी हमने जो है दो लोक नाट्य पढ़े, रम्मत और तमाशा, इनको रिवाइज कर लेते हैं। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, सुनने से ही चीजें याद हो जाती हैं। रम्मत जो है जिसका अर्थ क्या होता है, रमना होता है, बीकानेर जैसलमेर की लोकप्रिय है, ठीक है। होली सावन में ये खेली जाती है और जैसलमेर से इसका उद्भव माना जाता है। और यहाँ पर जो तेज कवि थे जैसलमेर के उन्होंने रम्मत को लोकप्रिय किया। स्वतंत्रता वामनी जो उनकी रचना थी उन्होंने गांधी जी को भेंट
की थी, ठीक है? तो आप ये याद रखेंगे, और जिसमें अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, रावलों की रम्मत, और इसके अलावा जो है जमुना दास की रम्मत, हड़ाऊ मेरी जो है इनकी रम्मत, अमर सिंह की रम्मत प्रमुख है। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र की देन है, और जयपुर लेकर आए थे सवाई प्रताप सिंह, और यहाँ पर जो है प्रारंभ किया उस्ताद परंपरा जो है फूलजी भट्ट ने इसको प्रारंभ किया था। तमाशे में जो है स्त्री पात्र जो है वो स्त्रियां ही निभाती हैं, ठीक है? गौहर जान जो है उनका नाम याद रखिएगा, जिन्होंने स्त्री पात्र की भूमिका जो है वो निभाई थी सबसे पहले, और वंशीधर भट्ट के समय ये एक मशहूर नर्तक की रही थी। तो आज हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को लर्न करने में परेशानी होगी। बार बार इनको पढ़िए, बार बार इनके नाम सुनिए, जिससे कि आपको ये याद होंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।